ये नहीं है कि सिर्फ फॉरन, वो हर तरह की एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है। सेकेंडली, जैसे आपका सवाल था कि जब यूएस जैसे देश के अंदर अगर आप पे जासूसी का कानून लग जाता है एलिगेशन, लेकिन भारत में फिर वही क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अब एलिगेशन मीडिया में कितना भी बोल चिल्ला चिल्ला के कि ये जासूस है, इसके ऊपर टेररिस्ट के आप एलिगेशन लगा लें, ठीक है, या कह दें कि पॉसिबल टेररिज्म के आप एलिगेशन लगाएं, जासूसी के लगाएं, कहां बोलें, ये स्टेट को स्पेसिफिकली बोलने का कोई मीडियम नहीं है। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है, इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बट एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहूंगा सर कि डेफिनेटली यही तो है पूरा सिविल प्रोसीडिंग को जो कन्वर्ट इस तरह से किया गया, यही मेरे कहने का मतलब है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है फयाज साहब, यहाँ पे एनसीबी है जी, नहीं सर यहाँ पे एटीएस थोड़ी ना इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एक चीज देखिए, बाहर से ट्रेसपासिंग तो एक क्रिमिनल ऑफेंस आप कह सकते हैं, जब फॉरेनर एक्ट है वो स्पेसिफाई किसको करता है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? अच्छा, इंडिया के अंदर जो इलीगल इमिग्रेशन होते हैं इसके लिए, जैसे आपने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के मैटर है उनके लिए, आपने सुना है कि इंडिया के अंदर जो कोई बाहर से आते हैं उसके लिए स्पेसिफाइड कोई एजेंसी है? अब स्टेट क्या करे, वही तो सर पूरा क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो गए, मतलब खड़ा हो गया एक तरह से। मैं बताता हूँ उनका बेसिकली क्या है, कस्टडी फॉर द चिल्ड्रन के लिए वो अपना एक सूट फाइल करें। मेरा तो देखिए यही था क्लियरली, आप HCCU में चले जाएं, आप किसी इंडियन कोर्ट में चले जाएं, ठीक है, और वहां पे जाके पहले तो स्टेट हाई कोर्ट में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप सीधा सुप्रीम में, मैंने आपको बताया था NRC ट्रिब्यूनल भी है और बाकायदा CJI के पास भी मुंतजा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला हो गया सर, इसमें काफी चीजें चैलेंज हो गई है, तो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑनरेबल CJI साहब, उनके भी जा सकता है। बेसिकली मेरा तो कंसर्न ही कस्टडी का रहा है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको इस चीज के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए कि ये इलीगली बाहर से आई थी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट्स व्हाई जी, वो कस्टडी के लिए किया जा सकता है। मजाक वाली भी बात है तो मजाक पर एक जवाब दूंगा आपको, हर किसी के पास एपी सिंह साहब है क्या? पहले रिपोर्ट होगी सर, सीधा रिपोर्ट होगी, मैंने मजाक के अंदर काफी बहुत काम की बात कह दी, लेकिन सर जी मैंने मजाक में काफी काम की बात कह दी, बिल्कुल रिपोर्ट सर सर, उनके साथ एपी सिंह साहब आ गए ना क्लियरली, मैं आपको बताऊं तो मैंने मजाक में बहुत काम की सर बात कही। 140 नहीं, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। अब देखिए कितने बार डिपोर्ट किया गया इंडिया में, ये कोई पहला वो थोड़ी है इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल तरह से आना, रेफ्यूजी लेना, काफी लोग आए सर, काफी लोगों को डिपोर्ट किया गया, केरला हाईकोर्ट ने भी कई बार डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए हैं, और सब में कहीं ना कहीं सिविल प्रोसीडिंग्स हैं। आप एक चीज देखें, अब देखें अभी एक कोई आई है बाहर से मिजोरम से करके, आपने भी सुनी होगी न्यूज, ठीक है, तो उसको रखा गया है अभी करंटली सर। और डिस्क्रिमिनेशन आपने वर्ड यूज किया है ना, ये जी वनसाइडेड चीज है, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर थोड़ा तो छूट मिलती है इंसान को, ये तो पूरा केस ही वनसाइडेड है, सीमा को एक तरह से कह लीजिए सर पे बिठा लिया और बाकी सबको वो कर दिया, जो इसके अंदर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उन तक को सस्पेंड किया गया, उसके बाद हालांकि चीजें एक्टिव हुई है, बट क्योंकि फिर वही मेरे एक बात कहूंगा सर कि जिस तरह का केस फॉर्म हुआ स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये सब इसी का एडवांटेज है, बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है, एनीथिंग यू से कैन विल बी यूज अगेंस्ट यू, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है इसके पीछे, इन सब के पीछे बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है सर, क्रेडिट तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा अगर मैं सही बताऊं तो, हमें नहीं पता फोन पहले से लगा मतलब हुआ है, बिल्कुल बहन भाई हैं सर, ऐसे क्रिमिनल लॉयर जितने नॉलेज है ये बात में हम डिनाई नहीं करेंगे, हालांकि कानून भले ही पता ना हो लेकिन उसका माइंडसेट वैसा ही है।